जैन साथियों, आपके अपने YouTube चैनल उदय राजपूत अकेडमी में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज से हम MP TET ग्रेड 2 मतलब कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की मैथमेटिक्स की क्लासेस लगातार शुरू करने जा रहे हैं और ये क्लास डेली आपको सुबह 9 बजे मिलने वाली है। तो सभी लोग बिल्कुल अच्छे से तैयारी में लग जाइए और मुख्य परीक्षा को आप टारगेट कर लीजिए कि हमें मुख्य परीक्षा किसी भी कंडीशन में निकालना है। ठीक, तो बिल्कुल हम उसके सिलेबस अकॉर्डिंग ही क्लासेस चलाएंगे। आपके यहाँ पर सिलेबस जो रहेगा आपके यहाँ पर उस पैटर्न अकॉर्डिंग आज हम पहला जो चैप्टर उठाने जा रहे हैं वो नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम से शुरुआत करते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स की अगर शुरुआत कहीं से होती है तो संख्याओं से होती है और आप सब लोग तो मैथ्स के ही टीचर बनने वाले हो तो आप तो सब बहुत अच्छे से जानते होंगे संख्याओं के बारे में कि भाई मैथमेटिक्स है तो क्या है, संख्या है, सब कुछ है ना, संख्याओं से ही मैथ है और मैथ से ही संख्या है। तो हम यहाँ पर आज संख्याओं का परिचय पढ़ने वाले हैं। तो नंबर आपका टॉपिक कौन सा है, आपका नंबर सिस्टम, इसमें हम क्या पढ़ेंगे आपके यहाँ पर संख्याओं का परिचय। तो संख्याओं का परिचय में आपके यहाँ पर क्या होगा, हमारे यहाँ पर संख्याओं का परिचय, संख्याओं का परिचय। अब संख्याओं के परिचय में हम पढ़ेंगे कि भाई संख्याएं कितने प्रकार की होती है। अब संख्याएं कितने प्रकार की होती है, सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पर एक बना रहा हूं मैं, आपका यहाँ पर नंबर चार्ट बना रहा हूँ, बहुत अच्छे समझिएगा क्योंकि नंबर्स में से क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपका यहाँ पर सबसे छोटी आपकी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी आपकी यहाँ पर सम संख्या कौन सी है, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है। तो क्वेश्चन घुमा फिर अगर पूछता है आपके यहाँ पर सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है ना, थ्योरी वाला क्वेश्चन रहता है, अच्छे समझिएगा। तो इसे हम समझेंगे एक चार्ट के माध्यम से। चार्ट में आप इसे क्या कहते हैं, आप चार्ट यहाँ पर कह सकते हो, ये रहती है हमारी नंबर लाइन, क्या कहते हैं आप यहाँ पर, इसको कहते हैं संख्या रेखा। ठीक, इसको क्या नाम दिया जाता है आपके यहाँ पर, संख्या रेखा नाम दिया जाता है, या फिर कह सकते हो इंग्लिश में कहेंगे नंबर लाइन। ठीक, आपका सेंटर में या फिर बीच में जो रहेगा उसको हम जीरो मानेंगे। जीरो से दाई ओर मतलब कि आपके राइट हैंड साइड की सभी संख्या कैसी होंगी, आपकी पॉजिटिव होती है, और आपके यहाँ पर जीरो से बाई ओर की सभी संख्या कैसी होती है, नेगेटिव होती है, मतलब लेफ्ट साइड के जो नंबर होंगे वो कैसे होंगे, सभी नेगेटिव होंगे। तो जीरो से अगर हम दाई ओर चलते हैं तो क्या आएगा आपके यहाँ पर, प्लस वन, फिर कितना, प्लस टू, फिर प्लस थ्री, फिर प्लस फोर, और ऐसे करते करते हम कहां तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं, कहां तक पहुंच जाते हैं आपके यहाँ पर, इनफाइनाइट तक पहुंच जाते हैं। वहीं हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ जीरो से अगर चलेंगे तो कितना, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, और इसी प्रकार ये भी क्या होती हैं आपके यहाँ पर, अनंत तक जा रही होती हैं। कहाँ तक जाती हैं आपके यहाँ पर, ये भी आपकी अनंत तक जा रही होती हैं। अब इस नंबर लाइन के अकॉर्डिंग नंबर्स को आपका यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है आपके यहाँ पर, या फिर बांटा गया है, तो कितने भागों में बांटा गया है, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर कि दो भाग, तीन भाग, चार भाग, पांच प्रकार है ना, तो भाई ऐसे नहीं है, नंबर से कितने प्रकार है कोई निर्धारित नहीं है, काफी ज्यादा टाइप्स में बांटा गया है, तो हमें वो पढ़ने हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं जो आपका हर बुक में दिख जाता होगा आपके यहाँ पर, हाँ जी, हर बुक्स में अगर सबसे पहले कोई संख्या का नाम लिखा है तो वो कौन सी होती है आपके यहाँ पर, प्राकृत संख्या, क्या होती है हमारे यहाँ पर, प्राकृत संख्या, या फिर कहोगे आपका यहाँ पर इसका इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, देखो प्राकृत संख्या कहे या फिर प्राकृतिक संख्या कहे दोनों एक ही बात होती है आपका यहाँ पर, तो कौन सा नंबर होगा, नेचुरल नंबर या फिर क्या होगा, प्राकृत संख्या होंगी। तो प्राकृत संख्या जो रहती है वो हमेशा किससे शुरुआत होती है आपके यहाँ पर, इसकी शुरुआत होती है वन से, हमेशा याद रखिएगा जीरो को इंक्लूड नहीं करना है, शुरुआत कहाँ होगी, वन से होगी, मतलब ये है आपका नंबर लाइन में जीरो के बाद की है ना राइट हैंड साइड की जो नंबर्स होंगे वो सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। तो क्या होगा, एक, दो, तीन, चार, और ये कहां तक जा रही होंगी आपके यहाँ पर, इनफाइनाइट तक जा रही होंगी, मैं इसको हटा देता हूँ आपके यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्राकृत संख्या क्या होती है, जो एक से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है आपके यहाँ पर, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, और आपका इनफाइनाइट तक जा रही होंगी, वो नंबर्स कौन से होंगे, आपकी प्राकृत संख्या होंगी। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है हमारे यहाँ पर, एक होती है ना, जीरो नहीं होती है। अगर पूछे ना कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो प्राकृत संख्या है सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा वो कितना होगा आपका यहाँ पर, वन होगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है आपके यहाँ पर, ये हमारी वन होती है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं आपका दूसरा जो नंबर है आपका यहाँ पर, वो है धन पूर्णांक संख्या, कौन सी होगी हमारे यहाँ पर, धन पूर्णांक संख्या। तो भाई धन पूर्णांक संख्या क्या होती है, या फिर कह सकते हो इसको कि पॉजिटिव इंटीजर नंबर, क्या होगा हमारे यहाँ पर, पॉजिटिव इंटीजर, इंग्लिश में होता है आपके यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर, है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं आपके यहाँ पर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर क्या होते हैं, धन सॉरी प्राकृत संख्याओं को ही क्या कहते हैं आपके यहाँ पर, धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। जो प्राकृत संख्या होती है
भाई क्या होती है आपकी धन पूर्णांक संख्या होती है, तो यहाँ पर फिर से भाई की रिपीट हो जाएंगी 1 2 3 4 एंड कहाँ तक आपको यहाँ पर इनफाइनाइट तक है ना। तो प्राकृत संख्या और धन पूर्णांक संख्या एक ही होती है, अलग अलग नहीं होती है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। आपका यहाँ पर सबसे छोटी धन पूर्णांक संख्या कौन सी बन जाएगी, 1 बन जाएगी ठीक। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरा नंबर पाते हैं आपका यहाँ पर, तीसरा जो नंबर है वो है ऋण पूर्णांक संख्या। कौन सी हमारे यहाँ पर ऋण पूर्णांक संख्या है, तो ऋण पूर्णांक संख्या को समझिएगा, देखिए थ्योरी के रूप में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप जान लें कि नंबर्स कौन से होते हैं, वहां पर परिभाषा लिखने को नहीं कहेगा ठीक है ना। आपको परिभाषा लिखकर नहीं आना है, आप वैसे भी टीचर को समझ सकते हो, जो एक से शुरुआत होती है और कहां तक जाती है, अंत तक जाती है, वो प्राकृत संख्या होंगी। धन पूर्णांक संख्या क्या होंगी, जो एक से शुरुआत होती है और कहां जाती है आपके यहाँ पर, अनंत तक जाती है, वो कौन से धन पूर्णांक या फिर पॉजिटिव नंबर हो जाते हैं। ऋण पूर्णांक संख्या या फिर कह सकते हैं आपके यहाँ पर ये हो जाएंगी नेगेटिव इंटीजर्स है ना, क्या होंगे हमारे यहाँ पर, ये हो जाएंगे आपके नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं आपके यहाँ पर समझिएगा, ये आपका इनफाइनाइट से चले आ रहे होंगे और वापस आते आते कहाँ, -3 -2 -1 मतलब कह सकते हैं -1 -2 -3 इस प्रकार से अनंत तक की जो संख्या होती है वो कहलाती है हमारे यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स या फिर ऋण पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी ठीक। इसके बाद अगला जो है आपका यहाँ पर चौथी संख्या है हमारे यहाँ पर पूर्ण संख्या। कौन सी आपके यहाँ पर चौथी है आपकी पूर्ण संख्या, या फिर इसे कहते हैं आपका यहाँ पर होल नंबर। क्या कहते हैं आपके यहाँ पर, होल नंबर। तो भाई होल नंबर या फिर कह सकते हैं हमारे यहाँ पर पूर्ण संख्या क्या होती है इसके बारे में समझें। देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है आपके यहाँ पर, जीरो सहित धन पूर्णांक। क्या होगा आपके यहाँ पर, जीरो सहित धन पूर्णांक या फिर जीरो सहित प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं, या फिर आप ये मानिए कि इसकी शुरुआत होगी जीरो से। देखो अभी तक किसी की शुरुआत जीरो से नहीं हुई थी, पूर्णांक पूर्ण संख्या, तो पूर्णांक नहीं ना, पूर्ण संख्या की शुरुआत किससे हो रही है आपकी, जीरो से हो रही है, और ये कहां तक जाएगी आपका यहाँ पर, इनफाइनाइट तक जाएगी ठीक है ना। तो 0 1 2 3 4 डेड कहां तक जाएगा यहाँ पर, इनफाइनाइट तक जा रहे होंगे। तो ये नंबर्स कौन से हो जाएंगे आपके यहाँ पर, होल नंबर या फिर कौन से हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। तो सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होता है यहाँ पर, जीरो होता है ना, याद रखिएगा सबसे छोटा होल नंबर कौन सा हो जाए हमारे यहाँ पर, आपके यहाँ पर जीरो होती है ना, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है ठीक। इसके बाद समझिएगा आप यहाँ पर अगला टाइप पे चलते हैं। आप यहाँ पर अगला जो टाइप है आपके यहाँ पर पांचवी जो संख्या है वो है पूर्णांक संख्या ठीक। क्या होगी हमारे यहाँ पर, पूर्णांक संख्या है या फिर कह सकते हैं आपका यहाँ पर इनको कहते हैं इंटीजर्स है ना। क्या होगा हमारे यहाँ पर, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं भैया आपके यहाँ पर समझिएगा, इंटीजर्स के बारे में समझते हैं आपके यहाँ पर। तो इसमें आपका धन पूर्णांक भी इंक्लूड हो जाएंगे, ऋण पूर्णांक भी इंक्लूड हो जाएंगे, और जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा है ना। आपका यहाँ पर जो नंबर आपके लाइन पर जो कुछ सब कुछ दिख रहा है वो सब किस में आ जाएगा, हमारे यहाँ पर पूर्णांक संख्या में जाएगा। मतलब इसमें हम इनफाइनाइट से चले आ रहे थे आपका यहाँ पर -3 -2 -1 इसके बाद कितना, जीरो। इसके बाद कितना यहाँ पर नहीं बन रहा है ना, नीचे लिखा हूँ ना, हाँ जी इनफाइनाइट से चले आ रहे थे है ना। कितना आपके यहाँ पर आए, कितना -3 -2 -1 और उसके बाद फिर जीरो भी आएगा 1 2 3 और डेड कहाँ तक आप यहाँ पर इनफाइनाइट तक चले जाओगे। मतलब आपका पूर्णांक संख्या में सभी इंक्लूड हो जाती है, नेगेटिव नंबर्स भी जाएंगे, पॉजिटिव नंबर्स भी जाएंगे, और साथ में जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पर बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में कंफ्यूज मत होना। पूर्ण संख्या हमें पढ़ने में आता है इंग्लिश में होल नंबर, तो हमें ऐसा लगता है इसमें नेगेटिव भी इंक्लूड है, पॉजिटिव भी इंक्लूड है, और जीरो भी इंक्लूड है, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीरो सहित धन पूर्णांक को क्या कहते हैं आपके यहाँ पर, पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब धन पूर्णांक को क्या, अगर जीरो लगा लोगे तो नंबर कौन से बन जाएंगे हमारे यहाँ पर, होल नंबर। और पूर्णांक संख्या में क्या होता है आपके यहाँ पर, पूर्णांक संख्या में नेगेटिव भी रहेगा, पॉजिटिव भी रहेगा, और साथ में जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा ठीक। इसके बाद आपका अगला नंबर जो है आपके यहाँ पर, अगला जो है आपके यहाँ पर छठवीं जो संख्या हम पढ़ रहे हैं आपके यहाँ पर, वो पढ़ रहा है सम संख्या ठीक है ना। कौन सी संख्या आपके यहाँ पर, सम संख्या, जिसे अब आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन मेरा यहाँ पर नंबर्स काउंट करवाना काम है, इसलिए फिर पूरे नंबर्स आपको यहाँ पर काउंट करवाऊंगा। तो सम संख्या या फिर क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर, इवन नंबर। तो इवन नंबर्स कौन से होंगे, देखिए लास्ट तक बनी रहिएगा, लास्ट में कुछ नए नंबर्स मिलेंगे जो हो सकता है आपने नहीं पढ़े होंगे ठीक है ना। तो सम संख्या या फिर इवन नंबर्स क्या होते हैं आपके यहाँ पर, वे संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाती हैं, वे संख्याएं जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं, क्या कहलाती है आपका यहाँ पर,
सम संख्याएं कहलाती हैं या फिर इवन नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। फिर से सुनिए, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं क्या कहलाती हैं आपके यहाँ पर, सम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपके यहाँ पर 2, 4, 6, 8 है ना, ये क्या होंगे हमारे यहाँ पर सम संख्याएं होंगी। क्या होंगे हमारे यहाँ पर आपका 2, 4, 6, 8 है ना, और कहां तक जाएंगे आपके यहाँ पर 2n तक जाती है। तो ये संख्या कौन सी हो जाती है हमारे यहाँ पर, सम संख्याएं हो जाती हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए अगला जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल आपके मन में आ गया होगा कि सर आप विषम संख्याओं को बताने वाले हैं, तो बिल्कुल विषम संख्याएं या फिर कह सकते हो आपका यहाँ पर ऑड नंबर, ठीक है ना। विषम संख्या या फिर क्या हो जाएगा ऑड नंबर। ऑड नंबर्स क्या होते हैं भाई, समझिएगा आपका यहाँ पर। तो ऑड नंबर्स क्या होंगे आपके यहाँ पर, हाँ जी, जो दो से क्या होते हैं आपके यहाँ पर विभाजित नहीं होते। मैंने देखो क्रॉस लगा दिया है, यहाँ पर मैंने कहा था दो से विभाजित होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कहा, दो से विभाजित, क्रॉस का मतलब क्या होगा, दो से विभाजित नहीं होती हैं, वो क्या होती है हमारे यहाँ पर विषम संख्याएं होती है या फिर ऑड नंबर्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, इस प्रकार आपका यहाँ पर 2n-1 तक इसकी सीरीज जाती है ना। कितना 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, इस प्रकार से कहां तक जाओगे 2n-1 तक जाओगे। ये नंबर्स कौन सी होते हैं, विषम संख्याएं या फिर ऑड नंबर्स होते हैं। क्लियर सभी को। अब देखिए आप यहाँ पर एक चीज और देखिएगा, आप यहाँ पर क्वेश्चन अगर पूछे सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, तो हमेशा याद रखिएगा सबसे छोटी संख्या कौन, सबसे छोटी सम संख्या होती है दो होती है, और सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है आपका यहाँ पर, तो सबसे छोटी विषम संख्या होती है आपका यहाँ पर एक होती है। अब यहाँ पर सबसे छोटी सम संख्या दो हो गई, सबसे छोटी विषम संख्या अगर एक हो गई, तो मुझे आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि जीरो किसमें काउंट करेंगे भाई, जीरो सम है या फिर विषम है, जीरो जो है आपका यहाँ पर सम है या फिर विषम है, इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कि शून्य किसमें काउंट होगा, शून्य जो है आपका यहाँ पर इवन होगा या फिर ऑड होगा, देखते हैं कौन इसका आंसर देता है, ठीक। तो यहां तक हमने 7 नंबर्स पढ़े थे, यहाँ पर फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, सुनिएगा। प्राकृतिक संख्या क्या होती है हमारे यहाँ पर, आपके यहाँ पर वे संख्याएं जो एक से शुरुआत होती है, जीरो से नहीं ना, एक से आपका यहाँ पर शुरू होती है और अनंत तक जाती है, कौन सी संख्या होंगी, प्राकृत संख्याएं या फिर नेचुरल नंबर होंगी। फिर दूसरी संख्या है हमारे यहाँ पर धन पूर्णांक संख्याएं, वे संख्याएं जो क्या होती है हमारे यहाँ पर एक से शुरुआत होती है और अनंत तक ही जाती है, मतलब ये है प्राकृत संख्याओं को ही क्या कहते हैं, धन पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इसके बाद आपके यहाँ पर ऋण पूर्णांक संख्याएं, आपके यहाँ पर वे संख्याएं जो क्या होती है हमारे यहाँ पर आपका -1, -1 मतलब आप कह सकते हो नंबर लाइन में जीरो के बाईं ओर की, लेफ्ट साइड की है ना, जो लेफ्ट साइड की संख्याएं हैं वो कैसी है आपके यहाँ पर, ऋण पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक। इसके बाद आपके यहाँ पर कौन सी, पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर में करते हैं आपके यहाँ पर अगर हम धन पॉजिटिव, आपके यहाँ पर ना पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ जीरो को और इंक्लूड कर दें, या फिर कह सकते हो जीरो सहित धन पूर्णांकों को, जीरो सहित धन पूर्णांकों को हम क्या कहते हैं, होल नंबर या फिर पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ठीक। हाँ जी, अब इसके बाद अगले नंबर पर चलते हैं, अगला है पूर्णांक संख्या। यहाँ पर हम बड़े कंफ्यूज होते हैं कि भाई पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन से पूर्ण होंगी और कौन सी पूर्णांक होंगी। तो पूर्णांक संख्या हम बिल्कुल क्लियर रखिएगा, धन पूर्णांक थी और ऋण पूर्णांक थी, उनमें पूर्णांक पूर्णांक लगे हुए हैं, तो मतलब यह है पूर्णांक में पॉजिटिव भी आएंगे नेगेटिव भी आएंगे, लेकिन साथ में जीरो और इंक्लूड कर लेना है ना। क्या होगा हमारे यहाँ पर, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और जीरो भी अगर इंक्लूड कर लेंगे, तो मतलब सभी आपके यहाँ पर नंबर लाइन में दिखने वाली सभी संख्याओं को अगर हम यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं, तो संख्याएं कौन सी बन जाएंगी, पूर्णांक संख्याएं बन जाएंगी। इसके बाद आप बात करते हैं आपके यहाँ पर अगली संख्या जो है वो कौन सी है, सम संख्या या फिर कहोगे इवन नंबर। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, कौन सी संख्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सी होंगी, 2, 4, 6, 8 डेढ़ कहां तक आपके यहाँ पर 2n तक जा रही होंगी, ये संख्याएं कौन सी होंगी, सम संख्याएं या फिर इवन नंबर होंगी। और सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा होता है आपका यहाँ पर, दो होता है, ठीक। इसके बाद अगली नंबर जो हमने पढ़ा 7वां, वो है विषम संख्या या फिर ऑड नंबर। ऑड नंबर्स क्या होते हैं आपके यहाँ पर, जो दो से पूरे पूरे विभाजित नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं आपके यहाँ पर, ऑड नंबर कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसा आपके यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 2n-1 यहाँ पर n का मान जो भी रखोगे क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग ऑड नंबर निकलता जाएगा, ठीक। इसके आगे बढ़ते हैं आपके यहाँ पर,
हाँ जी, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लीजिए। अब हमें इस नंबर लाइन की आवश्यकता नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। बिल्कुल जीरो शुरुआत करेंगे और लेवल वहीं तक जाएगा आपके यहाँ पर, जहां पे एग्जाम खुद भी नहीं पहुंच पाए, है ना। जिससे निश्चित रहिए, आप रेगुलर जुड़े रहिए। हमारी जो उदय राजपूत अकेडमी टीम है उसमें आपके एक से बढ़कर एक शिक्षक जुड़े हुए हैं। सभी कहीं ना कहीं इस जो शिक्षक भर्ती है इसके आपके यहाँ पर अनुभवी शिक्षक है, इनने पहले कहीं ना कहीं इस एग्जाम को दिया है, फेस किया है, क्वालिफाई किया है, ठीक। तो इसलिए बिल्कुल जुड़े रहिए, आपको सटीक मार्गदर्शन मिलेगा। एग्जाम का पैटर्न जो रहेगा उसी अकॉर्डिंग ही बिल्कुल सिलेबस मिलेगा, बिल्कुल भटकना नहीं है आपको, ठीक। कहीं भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल फ्री में इसी प्लेटफॉर्म पर पूरा का पूरा मैथ्स उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर, हाँ जी, आठवीं जो संख्या पढ़ रहे हैं आपका यहाँ पर, आठवीं संख्या हम पढ़ रहे हैं भाज्य संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, भाज्य और अभाज्य, है ना। आपका यहाँ पर कौन सी पढ़ रहे हैं, भाज्य संख्या, मतलब क्या होगा हमारे यहाँ पर कंपोजिट नंबर, इंग्लिश में कहते हैं इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों को हम साथ में लेकर चलेंगे और बायलिंगुअल पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। कुछ चीजें अगर मैं न लिख पाऊं तो आप सुन लिया करो, मैं इंग्लिश में जरूर बोलता हूँ, ठीक है ना। तो कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसी संख्याएं जिसके कम से कम, क्या होगा आपके यहाँ पर, जिसके कम से कम कितने गुणनखंड होंगे, जिसके कम से कम कितने आपके यहाँ पर तीन गुणनखंड हो, कितने आपके यहाँ पर तीन गुणनखंड हो, संख्या क्या कहलाएगी आपके यहाँ पर, कंपोजिट नंबर या फिर भाज्य संख्या कहलाएगी। ऐसा नंबर जिसके कम से कम तीन फैक्टर होंगे, मिनिमम कितने फैक्टर होंगे, तीन, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, कौन सा नंबर होगा आपका यहाँ पर, कंपोजिट नंबर होगा। एग्जाम्पल अगर हम इसके लेते हैं तो क्या होगा, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है चार, चार से पहले आपका यहाँ पर एक दो तीन भी आते हैं, तो यहाँ पर एक लिखा मैंने, दो लिखा, तीन लिखा, तो एक में केवल एक से ही भाग जाता है, इसका कितने आपके फैक्टर्स निकले, केवल एक फैक्टर निकला, ठीक। इसके बाद बात करते हैं दो, तो दो के कितने आपके यहाँ पर, दो में एक से भाग जाएगा, और किससे भाग जाएगा, दो से जाएगा, इसके अलावा किसी से भी नहीं जा रहा, तो इसके कितने फैक्टर निकले आपके यहाँ पर, दो फैक्टर निकले। इसके बाद तीन पर चलते हैं, तो तीन में एक से भाग जाएगा, और कितने से, तीन से भाग जाएगा, तो तीन में भी किसी अदर नंबर से अब और डिवाइड नहीं जा रहा है, तो इनके फैक्टर कितने कितने बने, इसका एक बना, इसके दो बने, इसके भी दो बने, लेकिन कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या बोलती है कि कम से कम कितने फैक्टर होने चाहिए आपके यहाँ पर, तीन फैक्टर होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए चार के तीन फैक्टर कौन कौन से बनेंगे, चार में एक का भाग जाएगा, दो का भाग जाएगा, और इसके अलावा किसका आपके यहाँ पर, चार का स्वयं का भी भाग चला जाएगा, तो इसके कितने फैक्टर बन गए आपके यहाँ पर, चार के बन गए हैं, कितने, तीन फैक्टर बन गए हैं। इसलिए क्या होगा हमारे यहाँ पर, चार जो होगा कौन सा नंबर हो जाएगा, भाज्य संख्या या फिर कंपोजिट नंबर हो जाएगा। चार के बाद अगला होता है छह होता है, छह में देखो एक का भाग जाएगा, दो का जाएगा, तीन का जाएगा, और स्वयं छह का जाएगा। देखो इसके कितने, एक दो तीन चार, कितने फैक्टर बने आपके, चार फैक्टर बने हैं। तो हमने तो कहा था कम से कम तीन गुणनखंड हो, तीन से ज्यादा होगा तो बिल्कुल चलाएंगे, कम से कम तीन चाहिए। अब मैक्सिमम जितने ला सकते हो उतने ले आओ, लेकिन तीन से कम में हम उसे कंपोजिट नंबर या फिर भाज्य संख्या नहीं कहेंगे। तो छह के कितने फैक्टर निकले आपके यहाँ पर, चार निकले। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अगला जो होगा हमारे यहाँ पर क्या होगा, आठ होगा, तो आठ में एक से भाग जाएगा, दो से जाएगा, चार से जाएगा, और किससे जाएगा हमारे यहाँ पर, आठ से जाएगा। इसके बाद अगला अगर हम देखें किससे आपके यहाँ पर, नौ, तो नौ में देखो एक से भाग जाएगा, दो सॉरी तीन से भाग जाएगा, फिर इसके बाद किससे भाग जाएगा हमारे यहाँ पर, एक तीन और नौ से, कितना आपके यहाँ पर, एक तीन और नौ से जाएगा। तो नाइन कैसा नंबर हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये भी कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर बस इतना गौर करना, नंबर अगर दिया जाए तो उसके गुणनखंड चेक करना, अगर तीन गुणनखंड से मतलब ये है कि उसमें किस किस संख्या का भाग जा रहा है ना, तो छोटी छोटी संख्याओं से भाग ला कर देखना, अगर तीन या तीन से अधिक संख्याओं से भाग चला जाए तो वो नंबर कौन सा हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक। और सबसे छोटा जो कंपोजिट होता है आपके यहाँ पर, सबसे छोटी कंपोजिट संख्या कौन सी होती है, चार, है ना। इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है हमारे यहाँ पर, चार होती है, ठीक। इसके बाद बात करते हैं अगला हमारे यहाँ पर, नवी जो संख्या होगी वो कौन सी होगी हमारे यहाँ पर, अभाज्य संख्या, लगा लीजिए स्टार जितने भी आपके पास रखे हो, पूरे के पूरे इकट्ठे लगा लो, कौन से नंबर हमारे यहाँ पर, अभाज्य संख्या, ठीक है ना। कि कौन से हमारे यहाँ पर, अभाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हो आप लोग प्राइम नंबर, क्या होता हमारे यहाँ पर, प्राइम नंबर, या फिर कहोगे आपका यहाँ पर अभाज्य संख्या, ठीक है ना। क्या हो जाएगी आपके यहाँ पर, ये हो जाएगी प्राइम नंबर, ठीक। तो अभाज्य संख्या, हाँ जी, अभाज्य संख्या क्या होगी, तो ऐसी संख्या जिसके केवल कितने, जिसके केवल
कितने दो गुणनखंड हो, कितने आपके यहां पर केवल दो गुणनखंड हो, दो से कम भी नहीं और दो से ज्यादा भी नहीं, यहां पर बिल्कुल फिक्स है। कितने आपके यहां पर दो गुणनखंड अगर होंगे तो नंबर कौन सा हो जाएगा हमारे यहां पर, प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या हो जाएगी। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो क्या होती है, दो होती है, क्योंकि इससे पहले एक रहता है, एक का केवल एक गुणनखंड आता है, अभी हमने चेक किया था, एक में केवल एक से भाग जाता है, इसके अलावा किसी का विभाग नहीं जाता है, इसलिए एक ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। अगर क्वेश्चन पूछे तो कभी भी गलती मत कर देना कि आपको ऑप्शन दे दे 0, 1, 2, 3 और आखिर कर दो कि आप जो उसमें 0 लगा दो, या फिर थोड़ा दिमाग चलाया कि नहीं 0 नहीं हो सकता है, सर ने कहा था 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, कुछ चीजों में हटवाया था, हो सकता है इसमें भी हटवाया हो, तो बिल्कुल नहीं, 0 तो है ही नहीं, साथ में 1 को भी हटा देना, क्योंकि यहां पर अभाज्य संख्या या फिर को प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये कहती है ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, मतलब जिसमें केवल दो संख्याओं से भाग जाता हो, संख्या कौन सी हो जाएगी, अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखो दो में किसका भाग जाएगा, एक का जाएगा और दो का जाएगा, तो आपका यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी बन जाएगी, दो बन जाएगी। इसके बाद अगला हो जाएगा तीन, तीन में एक का भाग जाएगा और तीन का भाग जाएगा, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। ठीक, अगला हम चार ले सकते हैं का, बिल्कुल नहीं ले सकते, अपन ने ऊपर लिख दिया है कि वो चार में एक का भाग भी जाता है, दो का भी जाता है और चार का भी जाता है। ठीक, तो अगला आप यहाँ पर चार नहीं होगा, क्या होगा, पांच होगा, पांच में एक का और पांच का। ठीक, फिर अगला क्या होगा, सात, एक का और किसका आप यहाँ पर सात का, नौ नहीं होगा, इंक्लूड मत कर लेना, नहीं तो आपकी एग्जाम बन गई हो आपका ऑड नंबर जैसी। देखो सभी अभाज्य संख्याएं ऑड नंबर्स में नहीं होती, ठीक है ना, ऐसा मत सोचो कि सब सुधर बोलने वाले हैं कि सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती है, विषम संख्या होती है, किंतु सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है और दो कैसा नंबर है, इवन नंबर है। ठीक है ना, तो इसलिए आपके यहाँ पर इवन ऑड से कोई संबंध नहीं है, आप तो याद रखना दो फैक्टर केवल क्या होती है हमें, दो फैक्टर। ठीक, सात के बाद अगला आएगा 11, फिर कितना आएगा 13, फिर कितना आएगा हमारे यहाँ 17, फिर कितना 19 आएगा। तो एक क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है कि 100 तक की संख्याओं में कितना, यहाँ पर 100 तक की संख्याओं में, ठीक है ना, 100 तक की संख्या में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 100 तक की संख्या में 25 अभाज्य संख्या होती है। कितनी आप यहाँ पर 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक, इस चीज को आप अच्छे से गांठ बांध लीजिएगा, नहीं तो पता पड़े वहां पर गिनने बैठ जाओ कि गिन रहे हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 और गलती से पता पड़ा कि 15 लटका लिया। ठीक है ना, तो ऐसा रिदम में गड़बड़ किया, पता पड़ा 25 की 26 हो गई या 25 की 24 हो गई, तो आप तो बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो कि 100 तक की संख्या अगर गिनती लिखोगे आप, तो उन गिनतियों में आपकी 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर हाईलाइट करवा दिया, आसान पॉइंट था। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा अभाज्य संख्या है जिसके कम से कम कितने आपके यहाँ पर तीन गुणनखंड होंगे, अभाज्य संख्या है जिसके क्या होंगे आपके यहाँ पर आपके केवल और केवल दो गुणनखंड होंगे, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, दो होती है। ठीक, आशा करता हूं यहां तक सब क्लियर हो गया होगा, इतना नोट कीजिए। 9 संख्याओं के बारे में पढ़ लिया है, अभी हम एक संख्या के और बारे में और पढ़ेंगे आज, है ना, आज थोड़ी क्लास शॉर्ट रखेंगे, इसके बाद से क्लास का ड्यूरेशन हम बढ़ाएंगे, लगभग आपकी 30 से 40 मिनट तक की क्लास आपका यहाँ पर रहा करेगी, उसमें हम मैक्सिमम चीजें कवर करेंगे और आवश्यकता हुई तो मैं मैराथन भी लेकर आऊंगा। ठीक, चलिए, हाँ जी, अगला जो है आपका यहाँ पर अगली जो संख्या आपके यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी यहाँ पर 10वीं संख्या, कौन सी हमारे यहाँ पर 10वीं संख्या है आपकी, यहाँ पर मैं स्टार लगा रहा हूँ आपके यहाँ पर, मेरे पास दो ही स्टार बचे थे इसलिए मैंने दोनों लगा दिए, और आपके पास अगर 10-20 बचे हो ना सब लगा देना इस पर, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट संख्या है और ये है आपकी यहाँ पर सह अभाज्य संख्या। कौन संख्या आपकी यहाँ पर सह अभाज्य संख्या, या फिर कह सकते हो को प्राइम नंबर, है ना, अंग्रेजों के लिए क्या होता है आपका यहाँ पर, मतलब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या होता है आपका यहाँ पर, को प्राइम नंबर होता है। ठीक है ना, क्या होगा हमारे यहाँ पर, को प्राइम नंबर होगा। तो को प्राइम नंबर क्या होता है आपका यहाँ पर, संख्याओं का ऐसा जोड़ा होता है, जोड़ा मतलब पेयर, ठीक है ना, संख्याओं का ऐसा जोड़ा या फिर कह सकते हैं आपका यहाँ पर पेयर, जिसका क्या हुआ आपका यहाँ पर HCF, क्या हुआ आपका यहाँ पर HCF कितना हो आपका यहाँ पर, एक हो। संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका HCF या फिर महत्तम सामर्थ्य कितना हो अगर एक हो, तो संख्याएं कौन सी हो जाएंगी आपके यहाँ पर, को प्राइम नंबर हो जाएंगी। अब आप कह रहे होगे कि सर HCF क्या होता है, वैसे तो आप मैथ्स वाले हो, आप इतना जानते हो, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा आपको कि हमें यहाँ पर संख्याओं का जोड़ा मिलेगा, उसमें दोनों संख्याओं को भाग देना, जैसे कि मैंने लिख दिया आपका यहाँ पर, पहला लिख रहा हूं मैं 1, 2,
यहाँ पर प्राइम और प्राइम नंबर और आपका यहाँ पर किससे कंपोजिट नंबर, मतलब कि भाज्य और अभाज्य संख्या से कोई संबंध नहीं है। ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर जो नंबर का पेयर आ रहा होगा वो कैसा होगा, प्राइम नंबर होगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हमें तो केवल एचसीएफ देखना है। एचसीएफ से मतलब ये है दोनों संख्या में हम भाग ला कर देखेंगे, है ना, या फिर इनके फैक्टर करेंगे। फैक्टर किया कितना हुआ, वन। इसका कितना होगा आपके यहाँ पर, वन और टू। अब दोनों में देखेंगे कॉमन फैक्टर बनना होगा, और बड़े से बड़ा जो कॉमन फैक्टर होगा, है ना, महत्तम कॉमन फैक्टर ना आपके यहाँ पर, बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा बनना आपके यहाँ पर, इसमें तो भाई दोनों में एक बनना है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर, एक हो जाएगा। तो ये कौन सी संख्या बन जाएगी, सह अभाज्य संख्या बन जाएगी। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ आपके यहाँ पर, मैंने लिख दिया चार पांच। क्या लिखा आपके यहाँ पर, चार पांच लिखा। अब देखना, फिर समझना, चार के फैक्टर करूंगा एक दो, और क्या होगा चार होगा। पांच अगर करूंगा कितना होगा हमारे यहाँ पर, तो पांच के हो जाएंगे। देखना थोड़ी देर लिखा हूँ ना, पांच अगर करता हूँ तो एक, और कितना होगा आपके यहाँ पर, पांच होगा। अब दोनों में अगर हम कॉमन देखते हैं तो क्या बनना है आपके यहाँ पर, दोनों में कॉमन केवल एक बनना है ना। दोनों में हम देखेंगे कॉमन, वो भी कैसा, बड़े से बड़े कॉमन नंबर कौन सा बनना है। तो दोनों में बड़े से बड़े कॉमन आपका फैक्टर कौन सा बनना है, एक बनना है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर, एक हो जाएगा। तो नंबर कौन सा हो जाएगा, वो प्राइम नंबर हो जाएगा। एक और एग्जांपल लिखता हूँ आपके यहाँ पर, मैंने लिखा नौ, और कितना दस लिख दिया है। तो मैं नौ के फैक्टर कर रहा हूँ एक तीन, और क्या हो जाएगा, नौ हो जाएगा। दस के कर रहा हूँ एक दो पांच, और कितना हो जाएगा, दस हो जाएगा ना, एक दो पांच और दस। लेकिन दोनों में अगर हम देखते हैं फैक्टर तो खूब बड़े बड़े आए, लेकिन कॉमन केवल क्या मिला आपका यहाँ पर, दोनों में एक मिला। तो एच सी एफ कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हो कि नौ दस क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, हायर अब सर क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पर प्राइम नंबर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लिखना हूँ, मैंने लिख दिया कितना, चार लिख दिया, और कितना लिख दिया आपके यहाँ पर, चार नहीं मैं लिख रहा हूँ आपके यहाँ पर तीन लिख रहा हूँ, और पंद्रह लिख दिया आपके यहाँ पर, तीन और पंद्रह लिखा। तो फैक्टर करता हूँ कितना, एक होगा, और इसका कितना, तीन होगा। इसका काउंट करते हैं एक तीन पांच, और कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, पंद्रह होगा, ठीक है ना। एक तीन पांच और पंद्रह, दोनों में अगर हम कॉमन फैक्टर देखते हैं बड़े से बड़ा, तो क्या आ गया आपका यहाँ पर, पांच आ गया, सॉरी तीन आ गया। क्या आ गया हमारे यहाँ पर, दोनों में बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर क्या आ गया हमारे यहाँ पर, तीन आ गया। तो इसका एच सी एफ कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर, तीन हो जाएगा। लेकिन हमारी सह अभाज्य संख्या का जो नियम कहता है कि आपका जो भी जोड़ा या पेयर होगा उसका एच सी एफ कितना होना चाहिए, वन, है ना। क्या होगा आपके यहाँ पर, एच सी एफ वन होना चाहिए। तो आपका यहाँ पर एच सी एफ कितना आ गया, तीन आ गया। इसलिए क्या होगा हमारा, ये सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्लियर सभी को, समझ पाए ना आपके यहाँ पर सह अभाज्य संख्या और आपके यहाँ पर भाज्य संख्या में डिफरेंस क्या है, सॉरी सह अभाज्य संख्या आपके यहाँ पर क्या होती है कि एच सी एफ क्या होगा आपके यहाँ पर, वन होगा, ठीक। और हमेशा ये जोड़े के रूप में मिलेगी। कैसे मिलेगी आपको यहाँ पर, आपका जोड़े के रूप में मिलेगी। उस पेयर का एचसीएफ कितना आएगा, वन आएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ जी, आशा करता हूँ आपको क्लास पूरी पूरी समझ आई होगी। आप बस कंटिन्यू बने रहिए, मैथ्स को आपके दिमाग में उतारने की जिम्मेदारी मेरी होगी। पूरा पूरा मैथ्स आपके दिमाग में उतार दिया जाएगा, और बस मेहनत आप करते रहें, हम आपके साथ मेहनत करेंगे, और आपको भी हमारे साथ मेहनत करनी है। और आने वाले समय के आप भी भावी शिक्षकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।